का महा उपाय? जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं महावास्तु दोष निवारक शक्तिशाली यंत्र तथा मंत्र, यानी बड़े से बड़ा वास्तु दोष दूर करने वाला वह यंत्र वह मंत्र जो बहुत सरलता और आसानी से आपके घर के बड़े से बड़े वास्तु दोष को दूर कर देगा। दुर्भाग्यवश यदि आपका पूरा मकान, घर, कोठी, फ्लैट, निवास स्थान, व्यापारिक स्थल, दुकान, ऑफिस, कार्यालय, फैक्ट्री ही वास्तु विरुद्ध बन गया हो और आप किसी भी हालत में उसमें कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं कर सकते, आप उसको बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते, तोड़फोड़ नहीं कर सकते, तो केवल महावास्तु मंत्र का जाप एवं कूर्म देवता की पूजा करने से आप उस, जिसका पूरा विधान मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको यदि आप करें तो आप बहुत अच्छे तरीके से दूर कर सकते हैं। इसका विधान यह है कि सबसे पहले लाल चंदन और केसर कुमकुम मिलाकर के एक पवित्र स्थान पर कछुए की आकृति आपको बना लेनी चाहिए। कछुए की मुख की ओर सूर्य तथा पूंछ की तरफ पृष्ठ भाग की तरफ चंद्रमा बना लें। सुविधानुसार आप अपने धातु का बना हुआ कछुआ भी पूजन में प्रयोग कर सकते हैं। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, गंगा जल, तीर्थ जल या समुद्र जल से आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। सविधि आप इनकी पूजा करें। भूमि पर ही आसन बिछा करके रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव से यह यंत्र भी जागृत होगा, यह यंत्र भी सिद्ध हो जाएगा जो आपने कूर्म यंत्र बनाया यानी कछुए के स्वरूप वाला यंत्र बनाया, और इस मंत्र के प्रभाव से वास्तु दोष भी दूर होगा। यह मंत्र है ओम ह्रीं कूर्माय वास्तु पुरुषाय स्वाहा। मंत्र पुनः सुन ले, ओम ह्रीं कूर्माय वास्तु पुरुषाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको 11 माला करना है। जाप पूरा होने के बाद घर अथवा निवास स्थान के चारों दिशाओं के कोने पर एक एक कछुए के का छोटा निशान आप बना दें अथवा आकृति आप लाकर के वहां पर स्थापित भी कर सकते हैं। आप किसी भी धातु का या मिट्टी का कछुआ भी वहां स्थापित कर सकते हैं। अगर आप आकृति बनाते हैं तो लाल या हरे रंग का प्रयोग आपको करना चाहिए कछुए की आकृति बनाने के लिए। यदि संभव हो जाए तो सीमेंट से आप परमानेंट भी वहां पर कछुए के स्वरूप को स्थापित करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, या कोई ऐसा मेटलिक या सेरेमिक का कछुआ ला करके वहां पे फिक्स भी करा सकते हैं सीमेंट के हेल्प से। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ऐसा कर लेने से पूरी तरीके से वास्तु दोषों से ग्रसित जो भी घर होता है वह भी दोष मुक्त हो जाता है। दिशाएं नकारात्मक प्रभाव नहीं देती, अशुभ जो दोष था वह समाप्त हो जाता है, दूषित ऊर्जा जो है वह शुभ ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। तो ये बहुत सरल सा उपाय है अशुभ और दूषित ऊर्जा को शुभ ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। आपको ध्यान ये रखना होगा कि यहाँ पे जो मैंने आपको मंत्र बताया कूर्म देवता का, वह एक बार यदि आप 11 माला एक दिन आप साधना कर लेते हैं वह मंत्र भी सिद्ध हो जाता है और यह यंत्र भी सिद्ध हो जाता है, आप इसे स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में कुछ शुभ तिथियों में यदि आप अगर उसी मंत्र का प्रयोग बार बार करते रहें 11 माला के हिसाब से किसी अच्छी तिथि में साल में एक बार या दो बार, तो निश्चित तौर पर उस यंत्र को और ज़्यादा फायदा मिलेगा, और ज़्यादा बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, मंत्र की ऊर्जा उसे प्राप्त होगी और इस मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर में जाप होगा उतनी आसानी से घर का बड़े से बड़ा वास्तु दोष दूर हो सकता है। और ये प्रयोग आप अपने लिए कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन की जगह पे कर सकते हैं, वो आपका घर हो, फैक्ट्री हो या ऑफिस हो। तो पंडित जी, आचार्य जी, आपने महा उपाय बताया, राशिफल बताया और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार, धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।